हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लिए हैं ओम का नियम। दोस्तों, ओम का नियम आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ से ओम का नियम ला दिए, बहुत ही छोटा टॉपिक है, सब जानते होंगे। तो दोस्तों, ओम का नियम छोटा तो है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों, इसमें बहुत ही कन्फ्यूज होते हैं, बहुत सी जगह तो इस पर झगड़ा बच्चे कर लेते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं कि कभी कोई बोलता है कि आई समानुपाते भी है और कोई बोलता है भी समानुपाते आई है। तो इसमें कौन सा सही होगा, कब सही होगा, या दोनों सही है दोनों गलत है, आप अगर इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, आपका ओम के नियम से एक एक आपका जो भी प्रॉब्लम है सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों ओम का नियम। दोस्तों, ये ओम का नियम जो है, तो सबसे पहले ओम के नियम की परिभाषा देखते हैं क्या होता है। तो ओम का नियम बोलता है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, अर्थात भौतिक अवस्था अब क्या होती है, तो भौतिक अवस्था होती है ताप, टेम्परेचर, प्रेशर और वैल्यूम। ताप, दाब, आयतन, ये हो गया ताप, ये हो गया दाब और ये हो गया आयतन। जब किसी चालक की भौतिक अवस्था था ताप, दाब, आयतन में परिवर्तन न किया जाए, तो अब परिवर्तन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर इनको परिवर्तित करते हैं तो चालक का जो रेजिस्टेंस होता है रो एल अपान ए, चालक का रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बदल जाता है। तो अगर चालक का रेजिस्टेंस बदल गया तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। तो इसीलिए कभी भी ओम का नियम लगाते हैं, कहीं पर भी यूज करते हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों को क्या मानते हैं, स्थिर मानते हैं। अगर ताप मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, और दाब अगर जितना लिए उतना ही लेंगे, मतलब कि ताप, दाब और आयतन क्या होना चाहिए, स्थिर हो जाए, तभी ओम का नियम लागू होगा, अन्यथा ओम का नियम लागू नहीं होगा। ये इसके लिए सीमा है कि मतलब कि ताप, दाब और आयतन क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, नियत होनी चाहिए। तो क्या बोलता है ओम का नियम कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था अर्थात ताप, दाब, आयतन में परिवर्तन न किया जाए, तो चालक में से बहने वाली धारा सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होती है। दोस्तों, ये देखिए क्या बोलता है ओम का नियम। अगर हम यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लेते हैं R और यहाँ से सप्लाई लेते हैं जिसका वोल्टेज है V, तो इसमें से अगर धारा फ्लो हो रही है I, तो क्या बोला जाता है इसमें कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, मतलब इस रेजिस्टेंस को न बदला जाए, तो जो चालक में से बहने वाली धारा है जो आई है वो किस पे डिपेंड करेगी, सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती, मतलब सप्लाई वोल्टेज क्या समानुपाती होगी, ये धारा। तो ये आपका होता है ओम के नियम के अनुसार आई समानुपाते सप्लाई वोल्टेज। लेकिन कभी कभी दोस्तों आप पढ़े होंगे कि वी समानुपाते आई होता है, तो इससे घबराने वाली जरूरी बात नहीं है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है। तो देखिए ये कब होता है और ये कब होता है। तो दोस्तों, जब हम सप्लाई वोल्टेज लेंगे तो हम आई समानुपाते भी लगाएंगे, क्योंकि अगर दोस्तों हम ये नहीं लगाएंगे, भी नहीं लगाएंगे, तो बताइए क्या आई फ्लो होगी, क्या तो नहीं फ्लो होगी। तो आई किस पे डिपेंड कर रही है, वी पे डिपेंड कर रही है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आई किस पे डिपेंड करती है, सप्लाई वोल्टेज पे। तो आई समानुपाते हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज के साथ भी। तो अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर लेते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी है, जिसे हम लोग विभवांतर बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो अब इसको क्या बोल सकते हैं, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों पर विभवांतर अर्थात चालक के अक्रॉस वोल्टेज, उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाते, अर्थात यहां पर हो जाएगा वी समानुपाते आई। तो दोस्तों, यहां पर वी समानुपाते आई कब ले रहे हैं, जब इसके अक्रॉस वोल्टेज ले रहे हैं अर्थात विभवांतर ले रहे हैं, तो वी समानुपाते क्या होता है, आई। और जब सप्लाई वोल्टेज लेते हैं तो आई समानुपाते वी होता है, क्योंकि जब तक यहां धारा नहीं आएगी तब तक यहां कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो इसीलिए ये वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, इस धारा पे, और ये धारा डिपेंड किस पे करती है, इस सप्लाई वोल्टेज पे। तो इसीलिए यहाँ का जब इन दोनों का लेते हैं तो आई समानुपाते भी होता है, और जब इन दोनों का लेते हैं यहाँ पे तो भी समानुपाते क्या होता है, आई होता है। तो कभी भी दोस्तों कभी ये ना कहे कि ये सही है कि ये सही है, दोनों सही है, ये विभवांतर के क्रॉस है, विभवांतर के ले रहे हैं सापेक्ष, और ये क्या है, सप्लाई वोल्टेज के सापेक्ष ले रहे हैं, मतलब ये लोड के
लोड के साथ ले रहा हूँ या क्या ले रहा है, सोर्स के साथ। तो अब दोस्तों बात आती है इसको एक तरीका और है समझने का, मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक और रेजिस्टेंस लगाते हैं ये और एक रेजिस्टेंस है ये, यहां सप्लाई वोल्टेज V है और यहां धारा क्या है I है, यहां का वोल्टेज आपका V1 है और यहां की वोल्टेज क्या है V2 है। तो दोस्तों अब यहां से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कब क्या होता है। तो दोस्तों देखिए जब इनको इनको लगे तो क्या बोलेंगे, तो जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक में से बहने वाली धारा सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई जो है समानुपाती किसके है, वी के, जो ये धारा किसके समानुपाती है, वी के। मतलब कि ये किस पर डिपेंड कर रही है, वी पे डिपेंड कर रही है। मतलब कि इसको अगर नहीं आप लगाते तो इसमें धारा कोई फ्लो नहीं होगी, मतलब अगर यहाँ पर बैटरी नहीं लगाते हैं तो धारा फ्लो नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर वी वन कब मिलेगा, जब इसमें कोई धारा आएगी, तो V1 किस पे डिपेंड कर रही है, I पे, और यहां पर V2 भी किस पे डिपेंड कर रही है, I पे। तो अब यहां पर क्या बोलेंगे, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर जो विभवांतर होता है, यहां पर विभवांतर बोले यहां पर सप्लाई वोल्टेज, जो विभवांतर होता है या वोल्टेज ड्रॉप होता है वो डिपेंड करता है या समानुपाती होता है उसमें से बहने वाली धारा पे, अर्थात वी वन समानुपाती क्या हो जाएगा आई, और यहां पर क्या हो जाएगा वी टू समानुपाती आई। तो यहां पर वी वन या तो विभवांतर है या वोल्टेज ड्रॉप है। तो ये होता है दोस्तों ओम का नियम, ये आई समानुपाते भी यहाँ होता है और भी समानुपाते आई यहाँ होता है। तो यहाँ पर कभी भी ये गलती ना करिएगा कि ये गलत है ये सही है, दोनों सही है। आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि विभवांतर बोला है या सप्लाई वोल्टेज बोला है। अब बात आती है दोस्तों कि लोग कहते हैं कि ये ओम का नियम एसी पे काम करता है कि डीसी पे काम करता है। तो दोस्तों ये एसी और डीसी दोनों पे काम करता है, इसका भी प्रूफ है। मान लीजिए कि यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस लगा दिए हैं ये, और यहां पर एक कैपेसिटर लगा दिए ये। अब यहां पर दोस्तों जब हम इस समानुपाती को हटाते हैं तो हमारा एक आता है वन अपान आर। तो यहां पर वी इक्वल टू होता है आई आर, यही ओम का क्या है नियम है। तो अब देखिए यहां पर कैपेसिटर है तो ये एसी पर ही काम करता है कैपेसिटर। तो यहां पर इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लीजिए वी टू है और इसका रिएक्टेंस क्या है एक्सी है। तो यहां पर जो वी टू निकालते हैं आई इंटू एक्स सी निकालते हैं, तो ये किसके नियम से लग रहा है, ओम के नियम से ही लगता है। तो मतलब कि ओम का नियम एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। ये कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि डीसी पे काम करता है या एसी पे काम करता है, ये एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। और एक ओम के नियम से एक और क्वेश्चन पूछता है कि इससे द्वारा जो ग्राफ प्राप्त होता है वो कैसा होता है। तो क्या प्राप्त होता है, एक सीधी लाइन प्राप्त होती है अर्थात लीनियर। मतलब अगर यहां से धारा आप बढ़ाएंगे तो आपका वोल्टेज भी क्या आ जाएगा सीधे बढ़ेगा, या कह सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा भी क्या, जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतनी धारा भी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो एक लीनियर ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों ओम का नियम है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि ओम का नियम कुछ अलग मिला है, आपको अलग कॉन्सेप्ट दिखा है इसमें, तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मैं अलग इसी तरह की वीडियो आपको बना सकूं और आपको अच्छे से अच्छा कंसेप्ट देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।